सो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तांगलंगला, जो कि लेह से जब मनाली हम लोग जाते हैं तो फर्स्ट पास पड़ता है। तो यहाँ पे तो सारा बंद पड़ा हुआ टांग में। अभी हम लोग हैं लाचुंगला में। उधर है शिवजी का टेम्पल, तो सारे बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेह, एंड टुडे वी आर इन लेह अगेन। और कल हम लोग आए थे पैंगोंग लेक कवर करते हुए चांगला पास क्रॉस करके, देन वी रीच्ड लेह अराउंड 7 o'clock। तो अभी प्लान ऐसा है कि आज यहाँ से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मनाली तक स्ट्रेच कर पाएँ, जिससे कि अपने को आगे वाला थोड़ा सा ईजी पड़ जाए और हम लोगों को जिस्पा या फिर किलोंग में ना रुकना पड़े। तो ओवरऑल जो है मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है, बट आज भी लगने वाली है। आज का भी जो किलोमीटर्स है दैट इज़ अराउंड 400। तो फिर सी, और हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी में रुके हुए थे, ये है पहले शेषे, अच्छा प्रॉपर्टी है। प्राइस आप लोग चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डाल दूँगा। अच्छा खासा पार्किंग है यहाँ पे, आप लोग अपना पूरा बाइक वाइक पार्क कर सकते हो। तो अभी का प्लान ऐसा है, यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम इज़ अराउंड 7 o'clock, तो 12 घंटा लग जाता है। सही बात है, ये देखो पैकिंग चल रही है तब से तब से पैकिंग चल रही है हम लोगों की। और जो प्रॉपर्टी है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे बैठने का एरिया है और ये है यहाँ पे रिसेप्शन। और हम लोगों ने एक काम और किया है कि यहाँ पे लगा दिया मैंने लेह फाल्कन। अच्छा, डू चेकआउट, कभी भी ले आ रहे हो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दम। हम लोगों को बिल्कुल रात में हम लोगों को चाहिए था रूम, बट ईजिली अवेलेबल हो गया और यहाँ पे ऐसे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, देन पेट्रोल फिलिंग कराएंगे। ये देखो सारे ब्लॉगर लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना है ऐसे गोप्रो मार के सब्सक्राइबर एक्सचेंज करो। चलो भाई सब्सक्राइब ट्रांसफर चलो। तो अभी के लिए निकलते हैं यहाँ से, स्टे ट्यून्ड। दिस इज मेन लेह सिटी और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं खारू पेट्रोल पम्प की तरफ। खारू पेट्रोल पम्प यहाँ से कुछ रहेगा 20-30 किलोमीटर शायद, वहाँ से लास्ट फिलिंग करा के देन हम लोग निकल जाएंगे। अभी 81 रेंज दिखा रहा है, दो कैंस ऑलरेडी मेरे पास हैं 5-5 लीटर के। तो वैसे तो लास्ट टाइम आने के टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ा था। सो बाय बाय टू लेह सिटी फ्रॉम हियर, यहाँ पे था इनका आखिरी गेट और यहाँ से हम लोग निकल लेंगे स्ट्रेट टूवर्ड्स खारू। और खारू से ही पेट्रोल पम्प पड़ाएंगे, जिससे कि अपने को जो फ्यूल रेंज है जितनी एक्स्ट्रा मिल पाए हम लोग थांडी पहुँचे, और वही ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। अगर आप लोगों के पास में ADV है आप लोगों को माइलेज ज़्यादा मिलेगा, स्पोर्ट्स बाइक है तो वही माइलेज 25-30 रहता है, बट स्टिल मतलब जस्ट एज अ बैकअप आप लोग कैन लेके चल सकते हो, क्योंकि यही मेन रूट है जहाँ पे बीच में पेट्रोल पंप कहीं नहीं पड़ता है। एक खारू में पड़ता है, एक सीधे तांडी में पड़ता है जो कि जस्ट नियर टू अटल टनल है। और ये देखो यहाँ पे जो सनलाइट पड़ रही है माउंटेंस के ऊपर, पूरा स्नो कैप मस्त लग रहा है। तो कल ऐसा हो गया था कि चांगला से हम लोग वापस आ रहे थे, पूरा मेरी आंखें रेड हो गई, मतलब इतना ज़्यादा धूल मिट्टी और पूरा स्वेलिंग आ गया था। माय गॉड, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कल वाला राइड, मतलब इतना ज़्यादा खारदुंगला नहीं लगा खारदुंगला, जबकि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। अभी वहाँ पे भी काम चल रहा है, हो जाएगा। अगर आप लोगों ने नई ब्लॉग देखा है तो यू कैन वॉच इट फ्रॉम द आई नोटिफिकेशन, कल क्या हाल हुआ था हम लोगों का। लेफ्ट साइड में चल रही है थिक से मॉनेस्ट्री और अभी कारू आने में 15 किलोमीटर और है। तो यहाँ पे है ये कारू का पेट्रोल पंप, लास्ट पेट्रोल पंप विच इज़ नियर टू लेह, और यहाँ से सीधा तांडी में ही मिलेगा पेट्रोल पंप। सो यहाँ पे मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ है, बट यहाँ पे अभी पेट्रोल पंप डिजिटाइज नहीं हुआ है, मतलब अभी भी यहाँ पे कैश पे करना पड़ा अपने को। पेट्रोल का टैंक फुल हो गया है, अभी अपडेट नहीं दिखा रहा है, बट हो जाएगा अभी धीरे धीरे। 297 का रेंज दिखा रहा है अभी, धीरे धीरे ग्रीन जो डॉट है वो बढ़ रहे हैं। चलो जी यहाँ से निकलते हैं, अभी एडवेंचर करेंगे आज, खतरनाक वाला एडवेंचर होने वाला है। आर आर पे एडवेंचर कौन करता है बताओ। माय गॉड, क्या रोड आई है, क्या बात है। ऐसी रोड अगर काश मनाली तक होती तो क्या डिस्टेंस कवर करते अपन, मतलब आज ही दिल्ली पहुंच जाते। बट अफसोस कि हमें इस रोड को अलविदा करना पड़ेगा। ये मनाली 430 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये कंसीडर कर रहा है रोहतांग पास वाला, एंड वी आर गोइंग वाया अटल टनल, तो अपने को 50 किलोमीटर के अराउंड कुछ कम पड़ेगा। मनाली 425 674 है चंडीगढ़, इधर से हम लोग निकलेंगे राइट वाला रास्ता लेके
देन ये था उपशी, और उपशी का थोड़ा सा आसपास विलेज वाला साइड है वो बाहर में है। तो अभी एक चीज तो हुई है कि अटल टनल बंद नहीं होता है। अभी हम लोगों को सीधे तांगलंगला की चढ़ाई है, और सीधा यहाँ से तांगलंगला, और सारे पास पड़ जाएंगे यहाँ पे, आज भी लग जाएगी, काफ़ी लंबा राइड है आज का भी। तांगलंगला टॉप जो है यहाँ से 30 किलोमीटर से आगे, अभी आप लोगों के सामने जो पहाड़ी दिखने लगी होगी स्नो कवर्ड, आई थिंक ये फ्रेश बर्फ गिरी हुई है यहाँ पे, और यहाँ से हम लोगों का चढ़ाई शुरू हो जाता है तांगलंगला का। यहाँ से पूरा रिवर बह रहा है ऊपर वाला ग्लेशियर पिघल के, मस्त एकदम वहाँ तक जा रहा है, क्या बात है। यही है बस पहाड़ी के नज़ारे, मज़ा आता है। अभी अपन लोग पहनेंगे ग्लव्स क्योंकि अभी हो गया ठंडा। हाँ, और ग्लव्स पहने, फर्स्ट व्यू ऑफ तांगलंगला, पीछे थोड़ा सा बोट था हम लोगों के। अभी पूरा फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, दूसरा वाला साइड में था, अभी इधर से नहीं दिख रहा है, और वो जो बर्फ़ गिरा था वो बिल्कुल फ्रेश था। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑफ रोड मिलता है। गाइज अभी हम लोग तांगलंगला पहुँचने वाले हैं, और वहाँ पे देखो जैसे कि इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है, और यही है तांगलंगला। यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं रहता, चेक पोस्ट नहीं है। फाइनली वी हैव मेड इट टू तांगलंगला, ये। सो गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं तांगलंगला, जो कि लेह से जब मनाली हम लोग जाते हैं तो फर्स्ट पास पड़ता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पांग है 65, मनाली 364, उसमें से जो 50 किलोमीटर्स का है वो रोहतांग पास वाला है, अभी भी पुराना बोर्ड है, और अपनी आरआर थिएटर है यहाँ पे, और कुछ इस तरीके सा है यहाँ पे नज़ारा। और ठंडा बहुत ज़्यादा है, धूप है, बट आसपास वाले जितने भी पहाड़ देखोगे ना आप, सब जगह बर्फ़ गिर रखा है, कोई भी नहीं है इधर पास में। तो आगे यहाँ से हम लोग जाएंगे मोरे प्लेन्स, मोरे प्लेन्स आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये वाला पहाड़ी के उस साइड वाला है, वहाँ से स्ट्रेट रोड है, बट ज़्यादा खींच नहीं पाएंगे। चलो अजय भाई का 5 मिनट से रिकॉर्ड हो रहा है व्लॉग, और उतनी देर से यही कर रहे हैं, ये है तांगलंगला, एक बार उधर शॉट लिया, फिर एक बार इधर शॉट लिया, फिर एक बार उधर लिया, फिर एक बार बाइक के साथ में लिया। जरूरी एक जगह और रह गया, वहाँ पे सुसु करने का भी जगह है, कब आएंगे इसे, जरूरी है। चलो फिर यहाँ से निकलते हैं, ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा, इतना धूप है, धूप के बाद भी बहुत ठंडा लग रहा है, मेरे को लग रहा है टेम्परेचर अराउंड 4-5 डिग्री रहेगा यहाँ का। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, पूरा प्लेन्स में ऐसा बना हुआ है, अमेजिंग लग रहा है, अमेजिंग। तो यहाँ से जो पांग है, पांग का डिस्टेंस दिखा रहा है 40 किलोमीटर, मोरे प्लेन्स क्रॉस करने के बाद में अपने को पड़ेगा पांग, तो ये मोरे प्लेन्स ऑलमोस्ट चलेगा 40-45 किलोमीटर, और उसके बाद अपने को मिलेगा पांग। देखो ये यहाँ पे पूरा ऐसे बवंडर बन रहा है ऊपर तक, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो आप रहे। ये देखो यहाँ से बन रहा है कहीं से, मतलब विंड प्रेशर एक्चुअली चारों तरफ पहाड़ी है, तो विंड प्रेशर ऐसे बीच में बन रहा है जहाँ पे पूरा धूल मिट्टी उड़ जा रहा है। सो यहाँ से हम लोग पांग का जो हाइट है, मतलब स्लोप जो है, नीचे उतरेंगे। ये देखो पहाड़ी जो हम लोग आसपास में दिखती है वो ऊपर से ऐसी दिखती है, बिल्कुल प्लेन है, आसपास पूरा मिट्टी का पहाड़ी है। माय गॉड, मुझे नीचे ब्रिज दिख रहा है, छोटा मोटा शॉप्स है, दैट इज़ बेसिकली पांग। पांग यहाँ से 5 किलोमीटर दिखा रहा है, तो कुछ भी चाय वाय ब्रेक कुछ भी चाहिए हो तो यू कैन स्टॉप एट पांग व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम लेह टू मनाली। यहाँ पे बस हाइट का यही है कि थोड़ा सा जब भी नीचे उतारना है तो देख के चलना है, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा है और जो रोड का विड्थ है वो कम है। तो यहाँ पे तो सारा बंद पड़ा हुआ है पांग में, भाई बंद है यहाँ पे, सब बंद है। चलो फिर आगे, चलो आ जाओ फिर, कुछ कर नहीं सकते, फालतू का टाइम वेस्ट है, सब बंद है बोल के कुछ। पांग का जो ऑल्टीट्यूड है 15,280 फीट,
और हम लोग देखते हैं अभी सारशो में अगर कुछ मिलेगा तो सारशो में खा लेंगे। सारशो में एक बार एंटर कर गए तो फिर कोई टेंशन ही नहीं 75 किलोमीटर से। देखेंगे और भी अगर कहीं बीच में शॉप वॉप खुलता है तो खा लेंगे कहीं पे रुक के। दिस इज शमशेर ब्रिज। यहाँ से पहले आएगा लाचुंगला, फिर उसके बाद में आएगा विस्की नाला, और उसके बाद में आएगा नकीला, फिर घाटा लूप, फिर उसके बाद में हम लोग पहुँचेंगे सारचू। तो जब तक सारचू पहुँचेंगे तब तक अपनी बैंड बच्चों की होगी और अपने का लंच टाइम हो जाएगा। तो देखेंगे फिर लंच ही करेंगे और बीच बीच में जो भी है पानी वानी पी लेंगे। देखो चांगला, सॉरी, तो ये वाला देखो लाचुंगला पहुँचने के टाइम पर ऐसा ऑफ रोड पड़ता है। ये हम लोग जब उधर से आ रहे थे ना भाई, वो लिटरली लग चुका था, और तांगलांगला क्रॉस करने के बाद ऐसा खतरनाक नींद आ रहा था ना। लुक एट द माउंटेन, पूरा पत्थर का। अभी यहाँ से धीरे धीरे हाइट जब पकड़ेंगे तो हम लोग पहुँचेंगे लाचुंगला। लाचुंगला के बाद में आएगा अपने को विस्की नाला। विस्की नाला में हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लें ताकि जो बॉडी का जो थोड़ा थकान है वो चला जाएगा, फ्रेश हो जाते हैं चाय वाय पी के यहाँ पे। तो गाइस देखो यहाँ पे कितने सारे ट्रक्स आते हैं, ये सारे अच्छा हैं कि अभी क्रॉस कर रहे हैं, वरना अपने को मिलेंगे घाटा लूप में और लग जाएगी। इधर अजीब सी पहाड़ी है, नीचे कोई सा स्ट्रीम जा रहा है, ग्लेशियर, बाय गॉड, थोड़ा सा भी करो तो यहाँ पे सांस फूल जाता है। चलो आ जाओ। हाँ मैंने ग्लव्स उतार दिए, बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं लगता हैंडलिंग, एक्चुअली मेरे को प्रॉपर वाला फील नहीं आता है। तो आई थिंक सजेशन मेरा यही रहेगा कि जब भी आ रहे हो अगर ये ऐसे विंटर वाले ग्लव्स लेके आ रहे हो ना, एक मतलब हफ्ता 10 दिन राइड करके यूज टू हो जाओ, ब्रेक इन हो जाए, तब उसके बाद इसको लद्दाख राइड के लिए लेके आओ, अदरवाइज हाथ दर्द कर जाएगा। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लाचुंगला, और यहाँ पे अपने रोडॉग भाई व्लॉग बनाते हुए लाचुंगला का क्या गैस था 16616। सो गाइस अभी हम लोग हैं लाचुंगला में, विच इज ऑल्टीट्यूड इज 16616। हम लोग फाइनली पहुंच गए। ये भाई जो है ये इतना ज्यादा ऑफ रोड करके आते हैं, इन्हें मजा आता है, और अपनी जो RR 310 में अपनी RR 310 में लग जाती है रोड। ये राजेश भाई और मैं, नहीं नहीं रोडॉग, राजेश भाई और मैं क्या करते हैं, हम लोग जब भी आते हैं तो हम लोगों के पास होता है ड्रोन गैजेट्स, दुनिया भर का सामान हम लोग कैरी कर रहे थे, थोड़ा स्लो आना पड़ता है, कुछ भी थोड़ा सा ख़राब हो गया सीधे 3-4 लाख रुपये का नुकसान है, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चलना पड़ता है। एनीवेज बहुत अच्छा वेदर हो रखा है, यहाँ पे आके बेटर लग रहा है। तांगलांगला में ठंडा था। एक चीज करना साथ में उधर है शिव जी का टेम्पल, तो सारे बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये पहुंच गए। अभी देखो ये है लाचुंगला मेंटेन बाई BRO और मेंटेन बाई साडा ब्रो, और यहाँ से पांग है 22 किलोमीटर टुवर्ड्स दिस साइड, तो जो भी मनाली साइड से इधर आ रहे हैं उनकी लग जाएगी, क्योंकि इधर साइड में बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है। साइड में एक्चुअली बहुत काल मचा हुआ है, समझ में नहीं आता कहाँ से निकालना है क्या करना है, बट ओनली थिंग इज कि बड़ा भी थोड़ा सा ठंडा है ना, अच्छा लग रहा है, गर्मी नहीं लग रही है, और वैसे भी ये वाले पास निकल जाते हैं। एक्चुअली हम लोगों को जब ले जाना रहता है तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पता लगता है। चलो अभी यहाँ से फिर निकलेंगे, और ये देखो पीछे ट्रक्स धूल उड़ाने वाले भैया लोग आ गए हैं, तो इधर से हम लोग निकलेंगे। और यहाँ शिवजी का टेम्पल छोटा सा बना हुआ है, कर दो लिख दो नीचे कमेंट में हर हर महादेव।